का नाम भक्ति पद। भक्ति पद, भक्ति बोले तो क्या होता है, पद बोले तो पोयम का लाइन। भक्ति, हम किसी के प्रति अगर हमारी भावना होती है तो उसके प्रति हमारा भावना चेंज हो जाता है कि वो हमारे गुरु हैं। गुरु के प्रति जो भाव होता है, फील होता है, उसी को भक्ति बोलते हैं। चाहे वो भगवान के प्रति हो सकता है या वो गुरु के प्रति हो सकता है। तो यही लेसन में भक्ति पद लेसन का नाम, इसमें रैदास की भक्ति, रैदास एक कवि हैं और मीराबाई एक कवित्री है, दोनों का भक्ति के बारे में ये लेसन में दिया हुआ है। जस्ट रैदास की भक्ति तो भगवान के प्रति है। भगवान को क्या कहते हैं कि भगवान तुम ही सब कुछ हो। मीरा क्या कहती है, मीरा भी सेम, मीरा के गुरु रैदास हैं और मीरा की भक्ति भी श्री कृष्ण के प्रति है। वह श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानकर, पति मानकर, प्रेमी मानकर, भगवान मानकर उनके साथ उस तरह का रिलेशन बनाई है और जो भी प्रॉब्लम आता है तो उसके दिमाग में एक ही थॉट आता है कि हमको कुछ भी नहीं हो सकता है क्योंकि हमारा जीवन तो भगवान कृष्ण को समर्पित है, हमारा तालनहार कृष्ण है, वही हमारी मदद करेंगे। तो ये लेसन में मीरा की भक्ति और रैदास की भक्ति के बारे में बताया गया है। अभी पहले हम लोग थोड़ा कवि के बारे में पढ़ेंगे, रैदास के बारे में पढ़ेंगे। रैदास हिंदी के प्रसिद्ध कवि में से एक हैं। कविवर रविदास जी भक्ति काल के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि में एक हैं। भक्ति काल, एक समय था जब हमारे ऊपर मुगल शासक शासन कर रहे थे। उस टाइम में क्या है, हिंदू धर्म जो है सो बहुत ही वीक हो, कमजोर हो गया था। उस टाइम में रैदास जी एक कवि बनकर समाज के सामने आए और हिंदू धर्म का पतन को उत्थान करने के लिए, जो हिंदू धर्म खत्म हो रहा था उसे जीवित करने के लिए, उसमें जान फूंकने के लिए ये तरह तरह का पोयम लिखे हैं, पद लिखे हैं इनका। वही क्या है, भक्तिकालीन का ज्ञान मार्गी शाखा के कवि। बहुत ही इनका पद जो होता है, इनका पोयम जो होता है सो बहुत ही ज्ञान देने वाला है। जस्ट हम लोग पढ़ेंगे ना लेसन में, पोयम में, तो देखना तुम लोग को भी थोड़ा देर के लिए माइंड जो है थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो वही ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि में से एक थे। उनका जन्म सन 1482 में हुआ। अब इनका जन्म जो है 1482 ईस्वी में हुआ, 1482 में हुआ, और मृत्यु सन 1527 में हुआ। अब इनका मृत्यु 1527 में। जन्म कब हुआ, 1482, किसका, रैदास का। कौन से कवि, ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि, भक्तिकालीन काल के, बोले तो भक्तिकालीन समय के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि। इनका जन्म 1482 में और मृत्यु 1527, याद रखना। भक्तिकालीन का ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि, इनका जन्म 1482 और मृत्यु 1527 में हुआ। इन्होंने भक्ति संबंधी अनेक चौपाइयाँ की रचना की थी। भक्ति संबंधित, भगवान का, देख ये रिलेशन जो है सो भगवान के बीच, इंसान के बीच, गुरु के बीच, शिष्य के बीच। गुरु और शिष्य बोले तो जस्ट हम स्कूल में पढ़ते हैं और हम तुम्हारा टीचर हैं और तुम हमारे स्टूडेंट हो, इतना ही नहीं, जिससे हम कुछ सीखने को मिलता है वो सब हमारे लिए गुरु है, चाहे वो कोई हो, उसका मतलब नहीं है। जिससे हमें ज्ञान प्राप्ति होता है वही हमारा गुरु होता है। तो चौपाइयों की रचना की, इनकी चौपाइयाँ सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। अब रैदास जी जितना भी लिखे हैं, इनका जितना भी चौपाई है, संकलन चौपाई संकलन है, वो गुरु ग्रंथ साहेब पत्रिका में है। अब देख, गुरु ग्रंथ साहेब ये सिख धर्म,
पंजाबी लोग होता है ना, पंजाब में स्वर्ण मंदिर है ना गुरु गोविंद सिंह का, वही सिख धर्म के ग्रंथ में, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। उनका मानना था कि भगवान का नाम रूपी नाव से ही संसार रूपी सागर से पार जा सकते हैं। अब रैदास का मानना है कि भगवान का नाम लेकर, ईश्वर का नाम लेकर ही हम संसार रूपी इस सागर, ये संसार रूपी सागर से तर सकते हैं। अब देख, भगवान का नाम लेकर थोड़ा देर के लिए जस्ट हम ये कहते हैं कि पूजा करने का अर्थ ये है कि हम टेंपल में गए, नारियल फोड़े, फूल चढ़ाए और भगवान खुश हो गए, पूजा ये नहीं है। यहाँ पूजा का मीनिंग कर्म है। अगर हम भगवान को मानते हैं तो भगवान का मानने के बाद हमारे अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा आता है जो कि हमको कुछ अच्छा करने। अब सुबह सुबह देख, थोड़ा देर के लिए हमारे माइंड में रहेगा कि अरे हमको पूजा करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रेस चेंज करेंगे? नहीं, ड्रेस चेंज नहीं करेंगे, कि हमको भगवान के पास जाना है तो हम स्नान करेंगे, और जैसे ही हम नहाएंगे तो हमारे ऊपर, हमारे बॉडी में पॉजिटिव ऊर्जा आता है ना, गलत थॉट हमारे माइंड में नहीं आएगा। हम जब भी जो सोचेंगे सही ही सोचेंगे। तो इस तरह से भगवान का भक्ति करना पूजा करना नहीं है। पूजा मन से होता है, कर्म से होता है। हम सुबह उठेंगे, स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद हम जाके भगवान के पास भगवान को प्रणाम करते हैं, तो भगवान को प्रणाम करने से हमको, हमारे माइंड में अच्छा अच्छा थॉट आता है। ये नहीं कि नारियल चढ़ाएंगे और भगवान हमको 10 point GPA ला देंगे, वैसा नहीं होता है। वैसा कब होता है? हम भगवान को प्रणाम करने से हमारे अंदर क्या है, पॉजिटिव शक्ति आता है, एक शक्ति आता है, ऊर्जा आता है, जो कि हमको वर्क करने के लिए, काम करने के लिए प्रेरित करता है। यही भक्ति है। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाना। संसार रूपी इस सागर को से पार जा सकते हैं। वे मानते थे कि गुरु के द्वारा ही भगवान को प्राप्त करने का सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है। अब देख, इनका कहना है रैदास का क्या, गुरु के माध्यम से ही हम क्या है, तो गुरु के द्वारा ही भगवान को प्राप्त करने का सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। इनकी चौपाइयाँ नीति और भक्ति के रस से पगी होती है। इनकी जितना भी चौपाई है नीति परक होती है। नेक्स्ट।